What's up guys, this is Ritya. Welcome back to another video by Smart Pricks. तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, म्यूजिक लवर्स के लिए YouTube का एक डेडिकेटेड म्यूजिक ऐप यानी कि YT म्यूजिक, जो कि काफी समय पहले लॉन्च किया गया था, और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ कूल टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपका यूजर एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहली बार आए चैनल पे तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, YT म्यूजिक ऐप में आप ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीम कर सकते हैं। वेल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप इसमें फोन के डाउनलोडेड सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। उसके लिए बस आपको करना ये है कि टॉप राइट कॉर्नर में अपने अवतार पर क्लिक करें, देन यहां से सेटिंग्स पे क्लिक करें और लाइब्रेरी एंड डाउनलोड ऑप्शन में नीचे शो डिवाइस फाइल्स को टॉगल ऑन करें। अब आप वापस जाएंगे सॉन्ग्स पे तो आपको ऊपर एक डिवाइस फाइल्स ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना सारा डाउनलोडेड म्यूजिक दिख जाएगा, और अब फाइनली आप इसमें डाउनलोडेड म्यूजिक भी सुन सकते हैं। Isn't it amazing? YouTube प्रीमियम यूजर्स के लिए स्मार्ट डाउनलोड ऑप्शन है, जिसमें आप अपने वाईफाई से फेवरेट ट्रैक्स डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो आपके पास तो इस ऑफलाइन कलेक्शन को आप सुन सकते हैं। स्मार्ट डाउनलोड के लिए करीब 500 सॉन्ग्स या कहें 1.9 GB तक स्टोरेज स्पेस दिया है, और ये ट्रैवलिंग के दौरान काफी काम आता है। इसे आप चाहें तो यहां से ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। ऑफलाइन डाउनलोड्स की बात करें तो स्मार्ट डाउनलोड्स और नॉर्मल स्टोरेज के अलावा, अगर आपके पास SD कार्ड है तो SD में भी सॉन्ग स्टोर करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे आप अगेन लाइब्रेरी एंड डाउनलोड्स में एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक इज प्रिटी इंटरेस्टिंग, जिसमें आप अपने फेवरेट गाने को एज एन अलार्म ट्यून बना सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल क्लॉक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी, और यहाँ आप देख सकते हैं YouTube म्यूजिक को एज अ अलार्म ट्यून सेट करने का ऑप्शन दिख रहा है। वैसे गूगल क्लॉक ऐप से आप अपने Spotify लाइब्रेरी को भी आराम से अलार्म के तौर पर सेट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रीमिंग के दौरान डेटा सेव करने की। तो इसके लिए आप अगेन सेटिंग्स में जाकर ऑडियो क्वालिटी को लो या नॉर्मल पे सेट कर सकते हैं। लिमिट मोबाइल डेटा स्टोरेज को ऑन करके आप HD वीडियो से वाईफाई कनेक्शन पे देख पाएंगे, और आप चाहें तो ऊपर डोंट प्ले म्यूजिक वीडियोस को क्लिक करके इसे टोटली ऑफ भी कर सकते हैं। और जस्ट इन केस आप इस ऐप में म्यूजिक वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो आप एक्सेसिबिलिटी में जाकर कैप्शंस को ऑन भी कर सकते हैं। साथ ही लैंग्वेज, टेक्स्ट साइज और कैप्शन स्टाइल को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर पाएंगे। और जैसे कि आप जानते ही होंगे, यहाँ स्क्रीन पर डबल टैप करके आप 10 सेकेंड्स पीछे या आगे ट्रैक में ट्रेवर्स कर सकते हैं, और इस डबल टैप टू सीक ऑप्शन में आप इसे 5 सेकंड्स या 15 से लेकर 60 सेकंड्स तक के इंटरवल पर सेट कर सकते हैं। साथ ही YT म्यूजिक में एक इक्वलाइजर ऑप्शन भी दिया गया है, जिससे आप ट्रेबल, बेस जैसे म्यूजिक एलिमेंट्स अपनी पसंद के हिसाब से मैनुअली सेट कर पाएंगे। अगेन, इट रियली इंप्रूव्स द यूजर एक्सपीरियंस। अगर आप चाहते हैं कि YouTube आपको वॉच और सर्च हिस्ट्री के हिसाब से कंटेंट रिकमेंड ना करे, तो यहाँ प्राइवेसी एंड लोकेशन ऑप्शन में इसे ऑफ कर सकते हैं। ये फीचर शेयर्ड प्रीमियम अकाउंट्स में काफी काम आता है, क्योंकि जरूरी नहीं आपकी प्लेलिस्ट किसी दूसरे से मैच करे, और अगर आप सेम अकाउंट से YT प्रीमियम यूज कर रहे हैं तो रिकमेंडेड म्यूजिक कैन श्योरली स्पॉइल द मूड, क्योंकि किसी को सपना चौधरी गाने पसंद है, किसी को टेलर स्विफ्ट। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट टिप इज अबाउट रिस्ट्रिक्टेड मोड, जिससे इनअप्रोप्रिएट कंटेंट ब्लॉक हो जाता है। और अगर आपके घर में कोई बच्चा है, आपकी डिवाइस पे नर्सरी राइम्स देखता है, तो उसे कोई गलत वीडियो ना दिखे, उसके लिए आप रिस्ट्रिक्टेड मोड को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। और ध्यान रखें, ज्यादातर फीचर्स आपको यूट्यूब प्रीमियम अकाउंट्स में ही मिलते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप अपने YT म्यूजिक ऐप पर जरूर ट्राई करेंगे। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक जरूर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो।